आयन मुखर्जी ब्रह्मास्त्र ट्रेलर में देव का फेस छुपा के हमारा एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा दिया था और मूवी में उसका फेस छुपा के हमारा काट दिया। तो खैर दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे देव के कैरेक्टर में पब्लिक किसे देखना चाहती है, पब्लिक को क्या चाहिए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ उसे शेयर करना। तो पब्लिक के हिसाब से चार एक्टर हैं जो कि देव के कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं, और वो चारों का नाम है शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह एंड रणबीर कपूर। तो चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं शाहरुख खान से। शाहरुख खान का चांस दोस्तों 50% हाँ है, 50% ना है। पब्लिक को अच्छे से पता है शाहरुख खान ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में मारे गए हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक का मन नहीं भरा है। पब्लिक चाहती है कि देव की कैरेक्टर को शाहरुख खान प्ले करें। अब वो कैसे करेंगे ये डायरेक्टर के ऊपर निर्भर है। उनको एक तगड़ा थ्योरी देना पड़ेगा अगर वो शाहरुख खान को देव के कैरेक्टर में कास्ट करेंगे, नहीं तो पब्लिक को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा बानर अस्त्र और देव की कैरेक्टर में। तो डायरेक्टर को सोच समझ के शाहरुख खान को कास्ट करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर शाहरुख खान ये रोल प्ले करेंगे तो दमदार लगेंगे। तो शाहरुख खान को देव की कैरेक्टर देना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना, रिस्क में ही इश्क है। अब चलते हैं दूसरे दावेदार ऋतिक रोशन के पास। देव की बॉडी को देखकर सबको लग रहा था ये ऋतिक रोशन की बॉडी होगा, लेकिन ऋतिक रोशन की रिसेंट ट्वीट पढ़ के ऐसा लगा ही नहीं, वो कभी भी ब्रह्मास्त्र की प्रोजेक्ट में जुड़े थे। तो वो तो ऋतिक रोशन नहीं है, ये कन्फर्म है। लेकिन अगर ऋतिक रोशन को ये रोल ऑफर किया जाता है तो मेरे हिसाब से ऋतिक रोशन ये रोल को फाड़ देंगे, क्योंकि हम सबको पता है ऋतिक रोशन कितने अच्छे एक्टर हैं। तो ऋतिक रोशन तो ये रोल को परफेक्टली निभा देंगे, लेकिन क्या ऋतिक रोशन ये रोल को करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट है काम करने के लिए। उनको क्रिस 4 और क्रिस 5 भी लाना है। तो ऑलरेडी ऋतिक रोशन एक सुपर हीरो मूवी में काम कर रहे हैं, तो क्या फिर से वो एक सुपर हीरो टाइप की मूवी में काम करना चाहेंगे या नहीं, ये सोचने में थोड़ा मजबूर कर रहा है। तो सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ऋतिक रोशन का चांस थोड़ा कम जाता है। अब बात करते हैं तीसरे कैंडिडेट के बारे में, रणवीर सिंह। इनका चांसेस हाई है, क्योंकि अमृता दीपिका है ऐसा हिंट हमें पार्ट 1 में दे दिया गया है। तो हो सकता है पार्ट 2 में हमें रणबीर और दीपिका की जोड़ी फिर से देखने को मिल सकता है, और लोगों को रणबीर वर्सेस रणबीर देखने में भी मजा आएगा। तो रणबीर सिंह का ऑटोमेटिकली चांसेस थोड़ा हाई है, लेकिन क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग रणबीर सिंह को देव की कैरेक्टर में देखना चाहेंगे या नहीं, दोस्तों आपको क्या लगता है कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। अब बात करते हैं चौथा कैंडिडेट रणबीर कपूर के बारे में। पर्सनली मैं तो नहीं चाहता हूँ रणबीर कपूर ये रोल प्ले करें, क्योंकि ऑलरेडी वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसका नाम है शिवा। लेकिन हमारी बॉलीवुड में एक परंपरा चलता आ रहा है, हीरो का बाप हीरो ही होता है। जैसे समसरा में रणबीर कपूर का बाप रणबीर कपूर ही था, वैसे ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर का बाप रणबीर कपूर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बॉलीवुड में अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ रणबीर कपूर का बाप रणबीर कपूर ही निकले। दोस्तों, आपके हिसाब से किसे देव की कैरेक्टर मिलना चाहिए? क्या शाहरुख खान को देव के कैरेक्टर मिलना चाहिए, या ऋतिक रोशन को देव के कैरेक्टर मिलना चाहिए, या फिर रणवीर सिंह, या फिर रणबीर कपूर को ही देव के कैरेक्टर मिलना चाहिए? किसे मिलना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। पता करना है कि ये सीन क्या हो रहा है और मेरे डायलॉग क्या है। सीन ये है कि यहाँ पे खेतों में आग लगी हुई है, एक्शन, और तुम्हारा डायलॉग है भागो। आगे इतना ही।